सबको आदाब। आज एक्चुअली दो केसेस के सिलसिले में हम लोग यहाँ प्रेस मीट रख रहे हैं। उसमें पहले केस जो है चित्रनागा का है, जो अभी वो केस रजिस्टर हुआ था कि 10 तारीख का हम लोग को कंप्लेंट आया। इसमें ये कंप्लेंट का जिस्ट था कि कादंडी श्रीकांत जो कंप्लेनेंट थे उनका मदर का थोड़ा तबीयत का इश्यू था जो नॉर्मल इलाज से नहीं सही हो रहा था। तो उनका पापा ने ऑनलाइन माने और टीवी में लोकल टीवी चैनल पे कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें ये बोला कि पूजा करके या कुछ करके जो भी डिफिकल्टीज को दूर करेंगे। तो उन्हें उनको बिलीव करके उसको कॉल किया था। उनका नाम था जो मंजुनाथा अलियास ब्रह्मम अलियास कोया राजू अलियास अर्जुन राजू अलियास मंजू बोल के, ये वरंगल के रहने वाला है जो अपने आप को साधु बोलते और सभी लोग को बोलते कि हम पूजा कर लेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाते हैं। तो उनको बुलाया था, वो आके घर आके देखा और बोला कि यहाँ पे नर्दोष है और वगैरह कुछ और प्रॉब्लम से बोल के उनसे 2 लाख रुपए लिया। बोला कि पूजा करेंगे हवन करेंगे सही हो जाएगा। ये आया था नवंबर पे पहली बार आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली आए और फोटोज़ भी तरह तरह का फ़ोटोज़ भेज रहा था कि हम ये पूजा किया एंड पूरा अभी तक 17 लाख रुपए तक इन लोग से एक ही पर्सन से लिया। वैसे बहुत सारे लोगों से भी लिया होगा, हम लोग पूछताछ चल रहे हैं। तो जैसे हमारे पास कंप्लेंट आया था तो हम लोग वेरीफाई कर रहे थे सच में ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आस्था है पूजा के मामले में हम लोग नहीं जा रहे, आस्था है पूजा कर रहे हैं नहीं। तो वो बंदा यहाँ पे आए तो और फिर एक और बार इन लोग से पैसा मांगने के लिए फिर लूटने के लिए यहाँ पे आए तो MGBS में उनसे पकड़ के पूछताछ किया तो ये पता चला बंदा को कोई पूजा या हवन कुछ आते नहीं है। वो वीडियोस वो भेजते जो यूट्यूब से डाउनलोड करते और उसका फ़ोटो निकाल के लोगों को भेजते और बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम पे मैंने हवन किया या पूजा किया। असलियत ये कि ये बंदा तो उसको कुछ आते नहीं है, भाई कैस्ट बुढ़गे जंगल जो घूमते रहते हैं उन लोग का कम्युनिटी और रहते वरंगल में करीमाबाद वरंगल कोयावाड़ा पे रहते। वो पैसा के लिए ये सारी कर रहे हैं। उनका तरीका ये है कि ये ऑनलाइन दुर्गा देवी ज्योतिषालयम सम्मक्का सारलम्म ज्योतिषालयम बोल के कुछ बुक्स किताबें प्रिंट करके और लोकल मीडिया पे ये पब्लिश करते कि वायरल कर लेते कि हम लोग पूजा करके हवन करके आप लोगों का दिक्कतें जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है सारी दूर करते थे बोल के लोगों को चीट करते। उसमें वो अभी हम लोग ये भी पूछताछ चल रहा है कि और एक हम लोग का कंप्लेंट एक ही आया और ज़्यादा और कंप्लेंट भी हो सकते हैं उसके लिए भी चल रहा है। और आप लोग के थ्रू हम लोग सभी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जैसे ये वैसे बाबा है जो वो गलत बाबा है और उनको कुछ आते नहीं है, बस लोगों को आस्था के ऊपर खेल के और उन लोगों को वीकनेस को पकड़ के इन लोग पैसा लूट रहे हैं। जैसे आपको कोई भी वैसे बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन आते हैं प्लीज़ हमको इंटीमेशन दीजिए, उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन होगा और तुरंत कार्रवाई भी होगा और बाकी लोगों को आप लोग बचाया हुआ जैसा भी होते हैं। ये पूरा ऑपरेशन जो है एडिशनल DCP टास्क फोर्स नरसिम्हा के ओवरऑल सुपरविजन पे हुआ था। इसमें और हमारा एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर और नरसिम्हा दोनों मिलकर सुपरवाइज किया था और इसमें ACP चित्रना का रमेश और टास्क फोर्स का इंस्पेक्टर सईदा बाबू चित्रनाका का इंस्पेक्टर भोज्या और SIs राघवेंद्र रेड्डी अनंताचारी साईराम और साउथ ईस्ट जोन का टास्क फोर्स का टीम पूरा इनको ट्रैक करके और जब यहाँ पे आए थे उनको पकड़ने में कामयाबी हुआ था। सभी लोगों को मैं ये कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ और फिर से आप लोगों को अपील कर रहे हैं, ये भी इस मौके पे ये भी अपील कर रहे हैं सभी लोग को। संक्रांति भी आ रहे हैं, आप लोग को कोई भी बाहर जा रहे हैं अपने गांव जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ हम लोग लोकल PS में इंटीमेट कर दीजिए ताकि उन लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। लोकल चैनल्स पे जो बाबा के एड्स चला रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहिए? पहले चीज़ मीडिया जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग अपना भी लोग ये भी देते डिस्क्लेमर जो ऐड का जो है उनके ऊपर उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो ऐड प्ले कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हर व्यूअर को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी ऐड आते हैं कुछ भी आते हैं प्लीज़ उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लीजिए, अपने आप वेरीफाई कर लीजिए। नहीं तो आपको डाउट है तो हमारा कॉन्टैक्ट कर लीजिए पुलिस वाले, हम भी आप लोग का हेल्प करेंगे ताकि अननेसरी वैसे जो स्कैम्स पे आप फंसे। थैंक यू।
दूसरा पे रहते हैं, वो मीडिया पे एड्स देते रहते हैं, और जब भी कॉल कर लेते, कोई भी कॉल कर लेते, बोलते कि हाथ देख के हम बता देते हम बोल के, और विजिट के लिए मैं हम आपका घर आके हम और क्या क्या तकलीफ है दिक्कत है बोलते बोल के घर आने के लिए वो चार्ज करते हैं, और यहाँ पे आके लोगों को कुछ बातें करके कुछ और करके अपने तरीके से बात करके कुछ करके उन लोगों को फंसा देते हैं लोगों को। विक्टिम यहाँ का है, अक्यूज जो है वरंगल का। कहाँ से पकड़ के लाया तो नहीं यहाँ पे, फिर आया था फिर एक और बार, तो हम लोग ट्रैक कर रहे थे उनका, बच्चे कंप्लेंट दे कि सर वैसे हो रहे हैं, तो हम लोग भी अपना इन्फॉर्मेशन लगाए कि हाँ भाई कहाँ है वरंगल पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे MGBS पे हम लोग उनको पकड़ा।